अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अल्फा कॉप बिल्डर की वादा खिलाफी के खिलाफ आज आवासीय कॉलोनी मेरठ वन प्रीमियम के निवासियों ने मोर्चा खोल दिया। कॉलोनी वासिंदों ने आरोप लगाया कि बिल्डर NHAI वे उच्च न्यायालय में हार चुका है, लेकिन बावजूद इसके सर्विस लेन नहीं बना रहा है, जिससे नेशनल हाईवे पर दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा कॉलोनी का अलग विद्युत फीटर बनाया जाना था, लेकिन खर्चा बचाने के चक्कर में बिल्डर मामले को अदालती प्रक्रिया में लटकाए हुए हैं। बता दें कि मेरठ की आवासीय कॉलोनी में मेरठ वन संभवतः पहली ऐसी कॉलोनी है जिसमें मेंटेनेंस के नाम पर 3,500 रुपये प्रति माह वे 22 रुपये प्रति यूनिट बिजली बैकअप बिल्डर द्वारा वसूले जा रहे हैं, ऐसा कॉलोनी वासियों का कहना है। कॉलोनी वासियों का साफ कहना है कि जो वादे फ्लैट लेने से पहले बिल्डर द्वारा किए गए थे, उनमें से कोई पूरा नहीं किया गया, लिहाजा वह स्वयं को ठगा हुआ पा रहे हैं। आज लोगों ने परिसर में स्थापित बिल्डर के ऑफिस को विरोध स्वरूप बंद भी करा दिया। आइए सुनते हैं कॉलोनी वासियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो ये दो ही समस्याएं हैं जिसके लिए आप एजिटेशन कर रहे हैं। इतना नहीं है, ये तो मेन समस्या सोसाइटी के बाहर की है। अंदर आप आ जाओ तो समस्याओं का भंडार है। जीएसटी की चोरी है। जीएसटी की चोरी कैसे है? जीएसटी की चोरी ऐसी है जी, जो ये बिल देते हैं मेंटेनेंस का, उसमें जीएसटी कहीं भी कहीं तक इनसे मांगो कि हमें बिल चाहिए सीरियल नंबर वाइज, ये देते नहीं है, मना कर देते हैं। ऐसे कैसे इतनी बड़ी कंपनी बगैर सीरियल नंबर के आपको बिल प्रोवाइड करा रही है? जब भी मांगने पे दिया जाता है जी। अच्छा। जैसे मैंने मांगा तो सीरियल नंबर 1 आएगा, फिर मैंने मांगा तो 2 आएगा, और 6 महीने बाद मांगोगे तो 3 या 4 आ जाएगा। अब आप बताओ, अगर ये सीरियल नंबर क्रम वाइज बिल नहीं मिल रहे, इतने सारे रेजिडेंट्स हैं, तो अगर उनको बिल जा रहे हो तो बिल क्रमांक संख्या कितनी सारी होती? हाँ बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट से चोरी करी जा रही है। जी 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 जी, हर चीज की चोरी हो रही है, हर चीज की चोरी है। और भी कोई समस्या? और समस्या कुछ बताएंगे अंकल जी, आइएगा। समस्या ये है कि आजकल लॉकडाउन के चक्कर में जो है बच्चों के एग्ज़ाम कॉलेजों के जो है ऑनलाइन चल रहे हैं। ये तो अच्छा, उसके अलावा जो है एग्ज़ाम दे देते थे, पता चला है हर 10 मिनट बाद लाइट जा रही है और इंटरनेट आने में 10 मिनट और लग जाते हैं। तो बच्चे का 2 घंटे का पेपर है, वो पतला कर उसका पूरा कैरियर एक्सपायर होने के ऊपर हो जाता है कि जो है वो किस तरीके से होते। अच्छा, और इसके अलावा एक चीज़ जो सर्विस रूट जो है वो तो मेन इशू है ही है। इसके अलावा जब रजिस्ट्री कराई गई थी उसके बहुत सारे इश्यूज़ इन्होंने इन राइटिंग हमें दिए थे, जिसमें वाटर बॉडीज था, कुछ और ऐसे इश्यूज़ थे जो अगर हम पढ़ें तो शायद एक लंबी फहरिस्त बन जाती है। जी जी जी, तो वो उसमें से कोई भी इशू इन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। आप कितना ही इन्हें कॉल कर लो, आप कितना ही इनके मेल डाल दो, इन्हें फ़ोन कर दो, हाँ जी आएंगे करेंगे, कुछ नहीं होता। कारखाने में बोलती है बस जी। एक जो है पाइप इन्होंने पूरी छत पर को फैला रखा, 8 बजे के बाद उस पानी में आप नहा नहीं सकते, बच्चा हाथ धोएगा तो गर्म आएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप 8 बजे के बाद नहा कर देखो तो कोई अगर नहा ले उस पानी में, या तो यहाँ टैंक कपड़े बढ़ाओ या सुबह भरो, ये थोड़ी बड़ी समस्या है। अरे बच्चा हाथ धोता है, अरे पापा आपने तो गीजर खोल दिया, दादा आपने तो गीजर खोल दिया, ये थोड़ी बड़ी समस्या है। चलने लगते हैं बच्चे, नहा नहीं पाते, हाँ इससे बड़ी समस्या। और बिजली का जो है ये 10 मिनट में कट लगाता है, 2 घंटे जनरेटर चलाता है, 22 रुपये यूनिट लेते हैं हमारे से, क्या मतलब है इस बात का? हमारी मांगे बिल्डर भाई साहब, जैसे कि अभी सभी आपके निवासी साथियों ने बताया कि यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है, और कोई भी प्रॉब्लम आप इसके अलावा बिजली के अलावा फेस कर रहे हैं? यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सर्विस लेन की प्रॉब्लम है। 3 साल पहले हमने फ्लैट बुक कराए थे यहाँ पे, तब बोला गया था बिल्डर यहाँ पे सर्विस लेन बना के देगा और NHAI के माध्यम से सर्विस लेन बनाई जाएगी, लेकिन शुरू से आज तक हमें झूठ बोलते आए हैं। ये जो सर्विस लेन है इसने खुद बिल्डर ने लिख के दिया है NHAI को, सर्विस लेन मैं बनाऊंगा। हम यहाँ 2 साल तक धक्के खाते रहे, इनसे पूछते रहे सर्विस लेन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम NHAI के ऑफिस गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ पूछा कि भाई आप क्यों नहीं बना रहे, तब उन्होंने हमें लेटर दिखाया इनका जो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ NHAI में कि सर्विस लेन तो बिल्डर को बनानी है, आपके अल्फा कोर मालिक को बनानी है। जी जी जी, उसके बाद में उसने ये भी बताया हमें NHAI के ऑफिस से कि इन्होंने केस कर रखा है उल्टा हमारे ऊपर कि सर्विस लेन NHAI को बनानी है, और वो हमने हाई कोर्ट में केस दर्ज सुनवाई के लिए गए तो उल्टा ये बिल्डर हार चुका है वहाँ केस। इस बारे में मेरठ प्रोजेक्ट हेड
राहुल धामा से फर्स्ट बाइट ने बात की तो उन्होंने बताया कि फीडर के लिए की गई डिमांड पर बिल्डर द्वारा 1.5 करोड़ रुपए जमा करा दिया गया था, लेकिन बाद में विभाग की तरफ से करीब 4 करोड़ रुपए जमा कराने की बात कही गई। यह भार नहीं तो रेजिडेंट्स पर डाला जा सकता है और नहीं बिल्डर पर। इसे लेकर हाई कोर्ट में वाद चल रहा है। रही बात सर्विस लेन की, तो इसे लेकर भी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट जो भी फैसला देगा वह मान्य होगा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।